ये खूब समझ लें कि आजकल जो सेहत बनाने के टोटके आप लोग YouTube पे देख रहे हो ना, ये खाने से ये चीज़ तेज़ होती है, ये खाने से ये होता है, कुछ भी नहीं होता इससे। मरोगे खा खा के, मर जाओगे, बम धमाके जैसे धमाका होता है ना, ऐसे एक दिन मर के हलाक हो जाओगे। खाना सिर्फ उसी के लिए ठीक है जो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा हो, वरना ये जो खा रहे हो ना, ये गले पड़ जाएगा, दुनिया में भी आखिरत में भी। मत खाओ YouTube पे देख देख के कि निहार मुँह इतने बादाम खाने चाहिए, तो इतना पिस्ता खाना चाहिए, अखरोट खाने से दिमाग तेज़ होता है, और फला चीज़ खाने से और गाजर का हलवा से खून बनता है और अखरोट के हलवे। जो खा रहे हो जितना, ये भी बहुत ज़्यादा है। एक गिलास सुबह दूध पीने से ये फ़ायदा होता है? नहीं होता फ़ायदा बिल्कुल ही। ये उन लोगों के लिए होता है जो दूध को फिर यूटिलाइज़ करें, एनर्जी कहीं खपे तो सही। पूरा नाश्ता आपने कर लिया डबल रोटी अंडों पराठों के साथ, उसके बाद एक गिलास दूध की जगह नहीं है उसमें, ये कैल्शियम नहीं पैदा करेगा, ये बीमारियां पैदा करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गाजर का हलवा खून नहीं बनाएगा, शुगर का बीमार करेगा आपको। खोया खा रहे हैं ये बहुत ज़बरदस्त है सेहत के लिए। जितनी खुराक हम खा रहे हैं, मैं अगर कसम उठा के बोलूँ तो झूठी कसम नहीं होगी, ये चाहे आप इसमें जैतून पी लें, ये जैतून भी गले पड़ेगा आपके। जैतून की भी एक हद तक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि आप कर क्या रहे हैं। मैं ऐसे ताकतवर लोगों को जानता हूं, उनकी खुराक इतनी थोड़ी है कि आप कहोगे यार इस तकल्लुफ की आपको जरूरत क्या है। ठीक है, तो जैसे खूब जहन में रखें, इंसान की में सेहत बनती है वर्जिश करने से, एक्सरसाइज करने से। थोड़ा खाए, अच्छा खाए, या तो जिम जा रहा हो ना, कोई इतने डंड पेल रहा हो फिर बकरे फोड़ दे, कोई मसला नहीं है। इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा हो जैसे ये जिम वाले कर रहे होते हैं, फिर बकरे खा लें, कोई अपने खर्चे पे अगर खा रहे हैं। लेकिन आपके लिए बकरे का गोश्त, मछली, दूध, मक्खन और विटामिन डी के लिए और पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं, ये कोई इससे और मरोगे बर्बाद हो जाओगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये जब है जब आपकी एनर्जी इस्तेमाल, वरना इतना खाओ बस जितना चल रहे हो, जितनी एनर्जी आपके इस्तेमाल हो बस इतना काफ़ी। सुबह निहार में एक चमचा शहद ले लिया, काफ़ी है सारा दिन। मेरा तो मशवरा यही है, दो खजूरें बहुत हैं सारा। क्या कर क्या रहे हैं, कौन ऑफिस में जाके बैठना है, ये एक्सरसाइज हो रही है कंप्यूटर के ना, वो कीबोर्ड पे बटन दब रहे हैं, ये उंगली के चलाने के लिए क्या बकरा चाहिए आपको? है भाई, इसके लिए आपको क्या बकरे खाने हैं जो आपकी एक्सरसाइज हो रही है? यहाँ से बैठे आप बस में या अपनी गाड़ी में चले गए, उसके लिए अगर ड्राइवर रखा हुआ है तो वो ये जो इतनी इस्तेमाल हो रही थी ना, ये भी नहीं हो रही। और अगर खुद चला रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मसल आपके थोड़ा सा यूँ मुड़ गए थोड़ा सा। और जो कराची में एक थोड़ा सा ऑप्शन अच्छा आपके पास ये है कि जगह जगह खड्डे आएंगे आपके, तो उससे गाड़ी के जंप भी उनका भी जंग ख़त्म होगा और आप भी थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी पे थोड़ा सा दबाओ, उछल के नीचे गिरोगे। भाई ये एक्सरसाइज हो रही है, तो इसके लिए ना प्रोटीन की ज़रूरत है आपको, ना कोई आपको कार्ब की ज़रूरत है, इसके लिए आपको रोज़े रखने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं, कसरत से रोज़े रख के फिटफाट रहेंगे आप। खैर ये तो अलग, तो इसी में ये भी जहन में जो अहम बात बताना चाह रहा था मैं कि दिमाग जो जहीन बनता है इस्तेमाल करने से बनता है। बादाम दूसरे दर्जे की चीज़ है। जो आदमी बादाम ना खाए लेकिन दिमाग से सोचता है, उसका दिमाग बादाम खाए बगैर ज़्यादा तेज़ होगा। देखो जो मजदूर लोग होते हैं, ये बोरियां उठाते हैं ना अपनी कमर पे बड़ी बड़ी, इनकी कमर मजबूत होती है कि नहीं होती? क्या ये बकरे खाते हैं? क्या ये अंडे फोड़ते हैं? मैंने तो मजदूरों की खुराक देखी है, सादा सूखी रोटी पानी के साथ खा रहे होंगे। वजह क्या है कि कमर वजन उठाने में इस्तेमाल होने की वजह से इनकी कमर बकरा खाए बगैर भी ज्यादा मजबूत है। और आप रोजाना निहार मुंह दो अंडे फोड़ रहे हैं, पराठे फोड़ रहे हैं, फिर डाइट प्लान डॉक्टर ने आपको टोपी ड्रामे के ना करके दिया हुआ है डाइट प्लान ना, कि आप ये खाएं और इतने ये आपकी बेहतरीन खुराक हो गई, उसके बाद भी हाल देखो, हाल तो देखो ना है क्या, ना बाजू से वजन उठता है ना कमर से। आसान मिसाल बताता हूँ, ये जो घरों में मासियां काम करने आती हैं ये ज़्यादा पावरफुल होती हैं, ये हमारे घरों की खवातीन ज़्यादा पावरफुल होती हैं,
बोलो मासियां, खुराक किसकी अच्छी होती है? खुराक तो हमारे घर की खवातीन की बहुत ज़बरदस्त होती है, वो जनाब ब्रेड भी है उसमें, अंडे भी हैं, और उसमें ब्रेड तो खैर कोई ज़बरदस्त खुराक नहीं है, अंडे भी हैं और मछली भी है और ये सब कुछ चल रहा होता है नॉर्मल घरों में, लेकिन वो मासी की कमर में पूरा घर पे पोछा लगाएगी, कभी उसको ये नहीं होगी कि आज मेरे कमर में दर्द है, और बच्चा भी गोद में होगा, उसको फीड भी करा रही होगी, वो बच्चा गोद में बिठा के कमर पे बिठा के पूरे घर का पोछा, वजह क्या है कि वो मेहनत मशक्कत वाले कामों की आदि, उसमें पावर ज़्यादा है। तो इसी तरह खूब जहन में रखें कि दिमाग में जो जहानत पैदा होती है, दिमाग का जंग जो ख़त्म होता है, वो बादाम खाने से नहीं होता, अखरोट खाने से नहीं होता, उसमें सबसे पहले क्या चीज़ है? इस्तेमाल। आज बच्चों का दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा, बड़ों का दिमाग इस्तेमाल नहीं हो रहा, पबजी दिमाग इस्तेमाल नहीं, दिमाग को कुंद बनाता है, समझ रहे हो? ये जो आजकल खेल खेले जा रहे हैं, ये दिमाग को कुंद कर देते हैं, बिल्कुल बेकार बना देते हैं। ड्रामों फिल्मों से दिमाग तेज नहीं होता, और बेकार हो जाता है। गाने सुनने से दिमाग तेज, बोलो, नहीं होता, बल्कि वो लज्जतों का आदी हो जाता है। गाने बजाने, मौसीकी और चर्स में कोई फर्क नहीं है, वक्ती चस्का है, जैसे चर्स का चस्का है ऐसे ही मौसीकी का भी है, थोड़े दिन में, थोड़ी वक्त में उसमें बोर, और फिर उसको मजीद कुछ आगे की चीज चाहिए। तो दिमाग में अगर आपने तेजी पैदा करनी है तो सोचो, समझते हो, इस्तेमाल किया करो, प्लानिंग किया करो सुबह सुबह उठ के। फिर उसके बाद जब दिमाग आपका सोचने से थकेगा तो बजाय उल्टी सीधी चीजें खाने के अखरोट खा लो, उससे क्या होगा? उससे दिमाग को ताकत मिलेगी। बादाम खा लो, उससे दिमाग को ताकत मिलेगी। फिर अच्छी अच्छी चीजें खाओ अपने खर्चे पर। लेकिन जो पहले जो बड़े बड़े जहीन लोग पैदा हुए, उनको तो अखरोट मुयसर नहीं थे, लेकिन कैसे कैसे काम किए उन्होंने। मैंने डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा, आप इतने तेज हो, आप ऐसे हवाले आपको रट्टा लगाए हुए याद हैं, क्या आप कौन सी मार्केट से बादाम खरीदते हैं? उन्होंने कहा कहीं से भी बादाम बादाम नहीं खरीदते। क्यों? दिमाग क्या किया है? इस्तेमाल किया है ना, इस्तेमाल कर करके क्या हो गया? तेज हो गया। तो बच्चों को भी दिमाग इस्तेमाल करवाया करो, और दिमाग अगर आपके पास इस्तेमाल करने का कोई तरीका आपको समझ में बिलफर्ज अगर नहीं आ रहा, तो दो तीन काम ऐसे हैं जिनमें दिमाग बहरहाल खपता ही है। कुरान हिफ्ज़ करना शुरू कर दें, उसमें दिमाग इस्तेमाल, बोलो ना यार, होगा। नंबर दो, कोई ज़बान सीखना शुरू कर दें, उसमें दिमाग बहुत खपता है। कोई ज़बान सीखना, कोई नई ज़बान सीखना शुरू कर दें, अरबी सीख लें, अंग्रेज़ी सीख लें, जिनको उर्दू नहीं आती वो उर्दू सीख लें, कोई भी ज़बान जब आप नई सीखना शुरू करते हो तो दिमाग बहुत आपका इस्तेमाल होता है उसमें। और ये खूब समझ लें के 40-45 साल के बाद जो आदमी एक्सरसाइज नहीं करता, बहुत तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ जाता है, समझ रहे हैं? क्योंकि अब जिस्म रिवर्स होना शुरू, जो एक्सरसाइज करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो देर तक जवान रहता है ना। तो इसी तरह खूब समझ लें, 40 साल तक तो खोपड़ी किसी न किसी तरीके से चलती रहती है, उसके बाद अगर आप दिमाग इस्तेमाल नहीं करते तो दिमाग सोना शुरू हो जाता है आपका, कुंद जहन होना बहुत तेज़ी से, फिर गायब दिमाग प्रोफेसर नहीं होते जैसे। तो उसमें ज़्यादा इस बात की अहमियत है कि आप 40-45-50 साल के बाद कोई नई ज़बान सीखना शुरू कर दें, इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वरना थोड़े दिनों में आप यहाँ से क्या हो जाओगे? खाली। तभी हमने उलमा को देखा है, वो बुढ़ापे में भी सही दिमाग होता है उनका। वजह क्या है? हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह ताला 78 साल की उम्र, बिल्कुल सही दिमाग। वजह क्या है? रोज़ाना इस्तेमाल हो रहा है ना, फ़िक़ी मसाइल में गौर कर रहे हैं, दलाइल का तज़िया कर रहे हैं, तो वो तज़िया कर करके, मसाइल में गौर कर करके, रोज़ाना मसाइल आ रहे हैं उन पर, रिसर्च का काम हो रहा है, तो उनका दिमाग फिट फाट रहता है बिल्कुल। ये मौजू से हट के ज़रा बात आ गई, लेकिन अब हम दोबारा मौजू की तरफ आते हैं। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था आपसे कि खोपड़ी इस्तेमाल किया करें, सही है? खोपड़ी ऐसी इस्तेमाल होगी, कोई चीज़ सीखें, कोई तज़िया करना, किताब लिखने से बहुत फ़ायदा होता है इंसान को, लेकिन खामखा की किताबें ना लिखें, फजूल भरमार, कोई तहक़ीकी किताब जिसमें आपकी खोपड़ी इस्तेमाल हो। तो खैर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अंदर का जो इंसान है ना, अंदर का इंसान, इस अंदर का इंसान अगर बाहर की वजह से ख़राब होगा तो डॉक्टर सही कर देगा उसको, नींद सही नहीं हो रही है, ले गोली खा के सो जा, ये कोई केमिकल आगे पीछे हो गए हैं, लेकिन अगर इसकी बाहर की वजह से नहीं है, ये अंदर ही का फॉल्ट है, तो ये नफ्सियाती डॉक्टरों का काम नहीं है। ये किसका काम है?
پیغمبروں کا, اور جو پیغمبروں کو پیغمبروں کے جانے کے بعد جو پیغمبروں کے وارث ہیں, جو پیغمبروں کو فالو کرتے ہیں, وہ صرف علماء ہیں, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. وہ عالم جو باعمل ہو, وہ عالم جس کے پاس صحیح علم ہو, اس کے علاوہ اندر کے انسان کو ٹھیک کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے. اور ایسے عالم جو باعمل بھی ہوں اور علم بھی ہو اور تجربہ بھی ہو, ان کو بزرگ کہا جاتا ہے ہماری اصطلاح میں. سمجھ میں نہیں آتی بات. تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندر کا آدمی بزرگوں کی بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتا.